हेलो दोस्तों, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो हम तुरंत जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब देखिए मुझे क्या हो गया, मेरा पेट ठीक नहीं है, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे फीवर है, मुझे उल्टी हो रही है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इन सबसे बड़ी बीमारी है हमारे विचारों में, जिससे बहुत सारे लोग डिस्टर्ब है और जिसको ठीक करने के बारे में कोई नहीं सोचता। आपके खराब मूड को ठीक करेंगे हम इस वीडियो में। क्या हुआ, किसी से लड़ाई हो गई या किसी ने कहना नहीं माना, किसी ने दिल तोड़ा या मुंह तोड़ा? अगर आप सोच सोच के अपने आप को अपसेट कर रहे हो तो बस कुछ मिनट की बात हो रहा, आपका मूड इतना ठीक होने वाला है जितना शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार एक आदमी ने एक पेड़ को अपनी बाहों में जकड़ रखा था और वो आदमी चिल्ला जा रहा था कि मुझे कोई इस पेड़ से बचाओ, मुझे कोई इस पेड़ से बचाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। एक साधु बाबा अपने दो तीन चेलों के साथ उधर से गुजर रहे थे। सब लोगों ने उधर देखा, एक शिष्य से रहा नहीं गया, उसने अपने गुरुजी से पूछ लिया कि क्यों ना गुरुजी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पर साधु ने कहा कि नहीं, हमारे मदद करने से उसका कुछ नहीं होने वाला, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। शिष्य ने पूछा क्यों, वो तो चिल्ला रहा है कि मुझे पेड़ से बचाओ, मुझे पेड़ से बचाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। इस पर गुरुजी बोले कि पेड़ ने उसे नहीं पकड़ रखा, बल्कि उसने पेड़ को पकड़ रखा है, और जो खुद किसी चीज को पकड़कर बैठ जाता है ना, उसको केवल वही छुड़ा सकता है, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता। दोस्तों सेम चीज अप्लाई होती है जब आप दुखी होते हो, अपसेट होते हो किसी भी बात को लेकर। आप चाहते हो कि कोई आए, आपकी हेल्प करे, कोई आपको सहानुभूति दे, कोई आपका दर्द बांटे, लेकिन सच बात तो यह है कि उस अपसेट माहौल में फंसे रहने का कारण आपके विचार ही होते हैं। जब तक आप खुद उस टेंशन से, उस अपसेट मूड से बाहर नहीं निकलना चाहोगे, तब तक दुनिया का सबसे पॉजिटिव आदमी भी आपको पॉजिटिव नहीं बना सकता। और इसका उल्टा, यानी कि अगर आप पॉजिटिव हो, आपने सोच रखा है कि कुछ भी हो जाए मैं अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा, अपने आप को पॉजिटिव रखूंगा, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा, तो चाहे पूरी दुनिया आपके चारों तरफ हो जाए, आपका ना तो कभी दिमाग अपसेट होगा, ना आपको गुस्सा आएगा, ना ही आप दुखी रहोगे, और ना आप रोओगे, ना आप डिमोटिवेट रहोगे, और ना ही आप डिस्टर्ब रहोगे। इट्स योर चॉइस। आप सोच रहे हो कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो खुशी आपको चाहिए नहीं, बल्कि वो खुशी आपको बनानी है। कहाँ बनानी है? अपने खुद के अंदर, अपनी थॉट प्रोसेस में। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजरे कि आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, रोने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है, तब ये सोचे कि इट्स ऑल नॉर्मल, होता है ये लाइफ में। थिंग्स आर वेरी इजी अंटिल अनलेस यू वांट टू मेक देम कॉम्प्लिकेटेड, एंड सिंप्लिसिटी इज द की। गुस्सा करके, भला बुरा कह के इस लाइफ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, क्योंकि जो आप कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ, वो आपके पास वापस एम्पलीफाई होके आएगा, एंड यू हैव टू फेस, यू हैव नो चॉइस आफ्टरवर्ड। जब आप बच्चे थे और कभी आप अगर उदास हो जाते थे, तो आपकी मम्मी या फिर आपकी फैमिली में जो बड़ा मेंबर था, वो आपको क्या बोलता था कि अरे यार क्या टेंशन ले रहा है, ये सब तो होता रहता है, चल तू ठीक हो जा, मैं चाय बना के लाती हूँ तेरे लिए। और उस चाय को पी करके सच में सारी प्रॉब्लम, सारा अपसेट माइंड ठीक हो जाता था। जादू उस चाय में नहीं था, जादू उन प्यारी प्यारी बातों में था जो उस वक्त हमसे किसी और ने कही। जब भी आप अपसेट हो जाओ तो अपने आप से बोलिए वो बातें। किसी ने आप पर अगर गुस्सा किया तो अपने आप से बोलिए कि जिसने आप पर गुस्सा किया वो कौन सा भगवान था, इंसान है, गुस्सा आ जाता है आपके लिए। अगर वो इंसान मैटर करता है तो उसके गुस्से को दिल पर मत लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी आप भी किसी चीज का गुस्सा उस पर निकालोगे। और अगर वो इंसान आपके लिए मैटर नहीं करता तो छोड़ दो उसको अपने हाल पे, वो अपना देखेगा, तुम अपना देखो। अगर हम बात बात को ईगो पे लेना बंद कर दें, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पे लेना बंद कर दें, अपने खुद पर लेना बंद कर दें, तो लाइफ इज वेरी इजी। कॉम्प्लिकेटेड कौन बना रहा है? हम खुद सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, जैसे सोचने में कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलने वाला हो। हाँ, इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाएगा अगर अच्छा सोचोगे तो, अपने दिमाग को ठीक रखोगे तो। एक बार एक साधु ध्यान मग्न थे और गांव से एक व्यक्ति आया और उसको बहुत भला बुरा कहने लगा। ये देखकर उसके एक शिष्य से रहा नहीं गया कि गुरुजी आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आपसे इस एक आदमी को तो जवाब दिया नहीं जा रहा, अगर आप कहो तो हम उसको अभी पीट के आ जाते हैं। गुरुजी ने अपने चेले से प्यार से बोला कि देखो, इस सामने वाले बंदे के करेक्टर में है गालियां देना, बुरे काम करना, ये बुरा आदमी है, और अगर ये बुरा इंसान होकर भी, इतना नीचे गिरकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना दयालु स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ। इस पूरी दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ना चाहो और आपका दिमाग अपसेट कर दे, और इस दुनिया में इतनी ताकत भी नहीं है कि अगर आप अपसेट रहना चाहते हो और आपको ये ठीक कर दे। पूरी गीता का यही सार है कि कर्म करोगे तो जय जयकार है, और मन से ठान लिया तो जीत है, और मन से अगर ठान लिया तो हार है।
अगर आपने अपने मन में सोच लिया कि मुझे बार बार लोगों की बातों से हर्ट होना है, तो वो आपकी चॉइस है। हाथी पर कुत्ते के भौंकने का असर नहीं पड़ता, और समंदर से दो बाल्टी पानी अगर कोई निकाल लेता है तो उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। किसी पहाड़ से अगर आप दो पत्थर उठा के ले आओगे तो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। यू आर अनलिमिटेड, और आपके इस इनफाइनाइट क्वालिटीज वाले कैरेक्टर को कोई बंदा दो बात बोल के अपसेट नहीं कर सकता। अगर आप किसी काम में फेल हो गए आज, तो आप अपना स्वभाव क्यों भूल रहे हो? आपका स्वभाव है मेहनत करने का, तो करते जाइए, आज ना तो कल आपका इनाम होगा सक्सेस पे। इसमें डीमोटिवेट होने की या दिमाग खराब करने की बात कहाँ से आ गई? कोई महान इंसान महान इसलिए नहीं बनता कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आती है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है, और जितना महान इंसान होगा उसके लाइफ में उतनी ही महान मुश्किलें भी आती है। उसकी लाइफ में मुश्किलों का और चुनौतियों का नहीं आना उसको महान नहीं बनाता, बल्कि उन सभी मुश्किलों के बाद भी उसका खुद के करेक्टर को, खुद के स्वभाव को नहीं भूलना ही उसको महान बनाता है। You have to ignore the things which you cannot change and you have to focus on the things that are in your hands. अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो क्या उसके परिणाम को बदला जा सकता है? या आप खुद जाकर के कॉपी दोबारा चेक कर सकते हो? आपके हाथ में है ये? नहीं है। आपके पास में केवल इतना कंट्रोल है कि आप दोबारा पढ़ाई कर सकते हो, दोबारा एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको किसी बिजनेस में लॉस हो गया तो क्या आप उस बिजनेस को रोक सकते हो जो ऑलरेडी हो चुका है, या आगे के प्रॉफिट पे ध्यान दोगे? आपके दोनों हाथों में दो लड्डू है, दो चॉइस आपके पास। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा खाना जरूरी है, और ये लड्डू आपकी लाइफ में हमेशा रहते हैं। यू ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस, यस और नो, यस और नो, यस और नो। नेगेटिव थॉट्स को नो बोलिए, और उनको बोलिए कि भाई मेरे घर में मत आना तुम, और पॉजिटिव थॉट्स को बोलिए कि मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। और ताजुब की बात है कि आपके सोचने मात्र से ये चीज हो जाएगी। आप कहते हो ना कि पहले के जमाने में तो ऐसा जादू होता था कि जो सोच लो वही मिल जाएगा, मैं कहता हूँ कि आज भी वही जादू है, आज भी वही रूल फॉलो होता है। यू कैन अचीव व्हाट यू थिंक, नेपोलियन ने कहा है कि व्हाट एवर द माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आपने अगर अपने विचारों में कोई पौधा लगा दिया और आपको पूरा यकीन है कि ये पौधा बड़ा होगा, इसकी छाया भी होगी, इस पर फूल भी लगेंगे और मीठे मीठे फल भी लगेंगे, तो माई का लाल नहीं है जो इस पेड़ को बड़ा होने से रोक दे, सब्जेक्टेड टू कंडीशन कि आप उस पेड़ को अपने पसीने की बूंदों से सींचते रहो। There are lot of things in the world which you can achieve, which you can do better than other people do. और जब इतनी सारी चीजें हैं, तो ये छोटी छोटी मुश्किलें और बात बात पर माइंड अपसेट करना एक चींटी के जितनी छोटी सी चीज बन जाती है। मेरे साथ में कुछ शब्द बोलिए और हमेशा अपने आप से कहिए। दो मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए। मैं पॉजिटिव हूं। मेरे जीवन में एक लक्ष्य है। मैं खुश रहना जानता हूं। खुश रहना मेरी चॉइस है। खुश रहना मेरा अधिकार है। कोई मुझे केवल तभी अपसेट कर सकता है जब मैं चाहूं। कोई समस्या तब ही मुझे तोड़ सकती है जब मैं चाहूं। मेरे अंदर सब विचार मेरी मर्जी से चलते हैं। मैं अपने मन का मालिक हूं। मुझे देश में अपना नाम करना है और देश के साथ साथ दुनिया में भी अपना नाम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।